हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर रविंदर सिंह ने यह जानना चाहा है कि जो ट्रेन होते हैं उनके लोकोमोटिव को हमेशा आगे की ओर ही क्यों लगाया जाता है। क्या हम लोकोमोटिव को पीछे की ओर लगाकर, यानी कि ट्रेन के जो कोच होते हैं उनके पीछे लोकोमोटिव को लगाकर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि लोकोमोटिव को हमेशा ट्रेन के आगे ही ओर लगाकर उसे क्यों खींचा जाता है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आगे वाले जो कोच है उसमें लोको पायलट को बैठा दें और उसके पीछे जो है लोकोमोटिव को लगाकर पूरी ट्रेन को चलाएं, क्योंकि लोकोमोटिव तो आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको फिजिक्स के कुछ नियम को समझना पड़ेगा और अगर आप उसे समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा कि लोकोमोटिव को हमेशा आगे की ओर ही क्यों लगाया जाता है, पीछे की ओर लगाकर पूरे ट्रेन को क्यों नहीं चलाया जाता है। दोस्तों, आपने जो 11th वगैरह में पढ़ा होगा कि जो फिजिक्स में एक टॉपिक था जिसमें आपको यह बताया गया था कि किसी भी रोलर को खींचने के बजाय, जो खींचना आसान होता है बजाय कि धकेलने के, क्योंकि अगर हम किसी रोलर को खींचते हैं तो खींचते वक्त होता क्या है, जो रोलर का वेट होता है जब उसे हम खींचेंगे तो उस पर एक फोर्स काम करता है और इस फोर्स का जो दो घटक होते हैं, जो पहला घटक होता है उसे बोलते हैं एफ जो है कॉस थीटा और दूसरा एफ साइन थीटा। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, जब हम इस रोलर को यहाँ पर खींचेंगे तो इसमें जो एफ साइन थीटा है वह ऊपर की ओर लगता है और एफ कॉस थीटा आप देख रहे हैं सीधे, तो ऊपर की ओर लगने से होगा क्या कि जो इसका फोर्स, इनका जो वेट है, रोलर का वेट जो होता है वह हल्का हो जाता है ऊपर की ओर लगने से, और हल्का होने के कारण इसे खींचना जो है आसान हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें धकेलने की, तो जब हम धकेलते हैं तो यह जो है एफ साइन थीटा वह नीचे की ओर लगने लगता है और नीचे की ओर लगने के कारण इसका जो वेट है उसमें जो फ्रिक्शन होता है वेट के कारण, तो फ्रिक्शन जो है ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका जो एफ साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है और यहाँ ज़्यादा होने से इनका वेट जो है, यानी कि इनको धकेलने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही सेम केस जो है लोकोमोटिव के भी साथ होता है। अगर हम लोकोमोटिव को पीछे की ओर लगा दें तो इसमें जो लगने वाला एफ साइन थीटा है वह नीचे की ओर लगेगा, जिसके कारण जो पीछे लोकोमोटिव है उनको धकेलने में बहुत मुश्किलें होंगी, यानी कि इन पर फोर्स ज्यादा लगेगा और शायद इस तरह से अकेले वह उन्हें धकेल धीरे धीरे धकेले पूरी अपनी क्षमता के साथ नहीं धकेल पाएंगे। वहीं अगर इन्हें हम आगे की ओर लगा दें, यानी लोकोमोटिव कोच की आगे की ओर लगा देते हैं, तो एफ साइन थीटा जो है ऊपर की ओर लगने लग जाएगा, जिससे कि यह हल्के हो जाएंगे और उन्हें लोकोमोटिव जो है बड़े आसानी से खींच लेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जवाब मिल गया कि जो है ट्रेन में लोकोमोटिव को हमेशा आगे की ओर क्यों लगाया जाता है, पीछे की ओर क्यों नहीं लगाया जाता। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर बैंकर लोकोमोटिव को पीछे की ओर क्यों लगाते हैं। दोस्तों, इस बात को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जो ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव होते हैं, बैंकर लोकोमोटिव का मतलब कि जो आपने कभी देखा होगा कि ट्रेन के एक आगे लोकोमोटिव होता है उसके पीछे भी एक लोकोमोटिव से धक्का देते हुए जाता है। दोस्तों, ये जो बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाता है ये वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर कोई ग्रेडियंट होते हैं, मतलब कि या कोई चढ़ाई या कोई ढाल, इस टाइप की अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर बैंकर लोको को लगाया जाता है। उस टाइम बैंकर लोको करते क्या है कि मान लीजिए कि जब ट्रेन हमारी चढ़ाई पे चढ़ रही होती है तो उस टाइम जो पीछे वाले लोकोमोटिव यानी कि बैंकर लोको हैं वह ट्रेन को आगे ये आगे की ओर पुश करते हैं, यानी धक्का देते हैं, और आगे वाले लोकोमोटिव उसको चढ़ाई पर चढ़ाते हैं। और जब चढ़ाई चढ़ने के बाद अगर कोई ग्रेडियंट या चढ़ाई है तो चढ़ाई चढ़ने के बाद वो ये जाहिर सी बात है कि उसमें एक ढलान आएगा, यानी कि ट्रेन को वहाँ पर उतरना पड़ेगा। तो जैसे ही ट्रेन वहाँ पर उतरेगी उस टाइम जो है आधा कोच नीचे की ओर रहते हैं और आधा कोच चढ़ाई पर चढ़ते रहते हैं, तो उस टाइम चढ़ाई पर चढ़ने से पीछे वाला जो बैंकर लोको है वह ट्रेन को ऊपर की ओर चढ़ाता है और नीचे वाले जो लोको हैं वह ट्रेन को उतरने में मदद करते हैं। इस तरह से वहाँ पर जो है बैंकर लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि चढ़ाई या ढाल दोनों पे काम आते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ट्रेन के लोकोमोटिव को आगे की ओर ही क्यों लगाया जाता है, पीछे क्यों नहीं लगाया जाता और बैंकर लोगों का यूज कब किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।